वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा। छत्तीसगढ़ में खूनी खेल, भगवान झंडे का किया अपमान, दो गुटों ने बांजी लाठियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज, मैं हूं आपके साथ शुभम यादव। छत्तीसगढ़ में दो गुटों के बीच उस वक्त विवाद हिंसा में बदल गया जब हिंदू धर्म के झंडे का अपमान कथित रूप से मुस्लिम युवकों ने कर दिया। भगवा झंडे का अपमान विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों को नागवार गुजरा। मामला छत्तीसगढ़ के कवर्धा का है, जहां हिंदुओं के एक संगठन ने लोहारा नाका चौक में अपने संगठन का धार्मिक झंडा लगाया था। खबर के मुताबिक कुछ मुस्लिम युवकों ने ऐतराज जताते हुए झंडा निकाल कर फेंक दिया। इसके बाद दो समुदायों के बीच विवाद इतना बढ़ा, लाठी डंडों से लेकर पत्थरों से एक दूसरे पर हमला किया गया। दोनों समुदायों के लोग लाठी डंडों से लैस सड़कों पर उतर आए। 100 से ज्यादा वाहनों में तोड़फोड़ की गई। इसके साथ ही पुलिस बल के तैनाती के बावजूद स्थिति काबू में नहीं आई। प्रशासन ने लाठीचार्ज कर दिया, लेकिन फिर पुलिस पर पत्थर बरसाने लगी। कई पुलिस जवानों को इस दौरान चोटें आई हैं। आपको बता दें, मामले की गंभीरता को देखते हुए एहतियातन आसपास के जिलों समेत कवर्धा में कई घंटों के लिए इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया, ताकि सोशल मीडिया के जरिए किसी भी तरह की अप्रिय घटना को अंजाम न दिया जा सके। 1500 से ज्यादा पुलिस बल को हिंसा वाली जगह में एकत्र किया गया है। हिंसा को हवा देने वाले तमाम आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तार किया जा रहा है। फिलहाल स्थितियां कंट्रोल में तो हैं, लेकिन तनाव का माहौल बना हुआ है। बात करें इस पूरे मामले पर छत्तीसगढ़ सरकार के रवैये की, तो प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल कवर्धा में हुई हिंसा पर नजर रखने के बजाय आला कमान के लिए धरना पॉलिटिक्स की नौटंकी में व्यस्त थे। इससे साफ पता चलता है कि जनता की सेवा के लिए कांग्रेस सरकार और कांग्रेस नेता कितने समर्पित हैं। आपको याद होगा, दिल्ली दंगों की शुरुआत भी ऐसे ही कुछ घटनाओं से शुरू हुई थी। मुस्लिम समुदाय कई महीनों से सड़कों, गलियों, मोहल्लों को घेर कर बैठे थे, जिससे सिर्फ एक समुदाय नहीं बल्कि हिंदुओं को भी परेशानी हो रही थी और कुछ साथ दिल्ली दंगों के रूप में सामने आया था। घर, पार्किंग में खड़े वाहनों, स्कूलों को आग के हवाले कर दिया गया था। फिलहाल इजाजत दीजिए, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। धन्यवाद। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।